गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं आज बहुत लेट सोकर उठी हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आज जिम नहीं गई। मेरे बेटे को भी 7 बजे कॉलेज जाना था, उसको बोला था कि 6 बजे उठा दो, उसने मुझे उठाया ही नहीं और मैं 7:45 बजे उठी एकदम से सोकर। इतनी जल्दी थी घर के सारे काम करने की, मैं चाहकर भी फ़ोन नहीं उठा पाई हाथ में। अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज है मेरा 3rd डे जब मैं डाइट पर हूँ और जो भी कुछ मैं खाती हूँ आपको मैं अपने ब्लॉग्स में दिखा रही हूँ। केवल ये ब्लॉग्स मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो भी डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं इसमें कितना अपना वेट लॉस कर पा रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिए तभी मेरा मन करेगा इस तरह के ब्लॉग्स बनाने का। चलिए फ्रेंड, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ स्टार्ट कर दें अपना 3rd डे। देखते हैं आज की मेरी डाइट में क्या क्या है। अब है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम जिसमें मैं बना रही हूँ उत्पम। इसके लिए मैंने सूजी का बैटर बनाया है। बहुत सारी सब्जियां इसमें ऐड की हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास हो ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं पर मुझे गाजर का टेस्ट थोड़ा सा मीठा लगता है। अब इसे हमें इस तरह से सेक लेना है चीले की तरह से, सच में बहुत टेस्टी लगता है मुझे उत्पम। देखिए कितना अच्छा सिका और खाने में भी बहुत टेस्टी था जब मैंने इसे खाया था। ये बन गया मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें मैं ले रही हूँ 1 कप चाय, 1 उत्पम और थोड़ी सी ग्रीन चटनी। फ्रूट्स टाइम जिसमें मैंने लिया है 1 ऑरेंज, थोड़े से बनाना स्लाइस ले लिए हैं मैंने। लंच में मैंने बनाई है पनीर की सब्जी जिसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलाई हैं क्योंकि आज मेरे लंच में यही थी तो मैंने सबके लिए यही बना ली। बारीक मैंने इसलिए काटी क्योंकि मेरा भी एक खाने का अपना तरीका है, मैं टेस्ट लेके खाती हूँ, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि मैं इसे किस तरह से खाती हूँ। देखिए बन गया मेरा लंच, कितना सारा है ना। देखिए फिर इतना सारा है मेरे खाने में। मेरे खाने का अपना तरीका, एक रोटी में मैं चटनी लगाऊंगी इस तरह से, मैं रोल बना के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई लहसुन वाली उसमें मैंने अच्छी तरह लगा ली रोटी पे, घी नहीं लगाया था इसलिए। अब जो मैंने सब्जी बनाई है वो मैं ऐसे बीच में लगा के, सच में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी पनीर की सब्जी वाली बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से खाती हूँ, ऐसा लगता है कि बाजार का ही कुछ खा रहे हैं। जितनी भी सब्जी आ सकेगी इसमें मैं लगा के फिर बाद में मैं सब्जी को ऐसे ही खा जाऊँगी। देखिए इस तरह से फिर हम एक रोल बनाएंगे, मैं इसी तरह से खाती हूँ, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। फिर हम क्या करना है, हम एक फॉइल पेपर में इस तरह से लगा के कि ये हो गया मेरा बाजार वाला रोल तैयार, बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए बहन पहले मैं लंच कर लेती हूँ, मैं रसोई में से आई हूँ और मुझे इस टाइम बहुत गर्मी लगती है, बाद में आप लोगों से बात करूँगी। मेरे खाने में दही भी है और खीरा भी है और ये सब्जी, सब कुछ है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। चलिए बहन पहले मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ। डिनर में मैंने लिया है 1 कटोरी पनीर, थोड़ा सा लहसुन, इतनी सारी सब्जियाँ जिसमें मैंने कॉर्न लिया है, गाजर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, मशरूम लिया है, 1 टमाटर लिया है। इन सबको कढ़ाई में डालकर इस तरह से पकाना है और फिर उसके बाद पनीर डालना है। देखिए बन गया मेरा अच्छा सा डिनर, बहुत हेल्दी है, इसमें बहुत सारे विटामिन हमें मिल जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। अब मेरा डिनर फिनिश हो चुका है, सच में बहुत टेस्टी था और पेट भी हल्का रहता है, वेट भी बहुत जल्दी कम करते हैं। आप भी इसे डिनर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी वेट कम करता है ये। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी मैं डाइट फॉलो करती हूँ ऐसा कि ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो यदि आपको मेरे पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।